गिन कीजिए, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपको एजुकेशन देता है, और इस एजुकेशन को भी इस्लाम का पार्ट समझ के पढ़िए। मालूम आपको जो एजुकेशन आप गेन करते हैं ना स्कूल में, ये एजुकेशन भी पार्ट ऑफ इस्लाम है। कुरान के अंदर 6000 से ज़्यादा वर्सेस है, 6200 समथिंग होता है उसकी क्वान्टिटी एग्जैक्टली नहीं, 6000 से ज़्यादा आयते हैं, उनमें से 1000 से ज़्यादा आयते हैं, मोर देन 1000 वो बातों पर डील करती है जिसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एम्ब्रोलॉजी, ओशनलॉजी, ठीक, इनसे डील करती है। तो अगर आप स्कूल जाके फिजिक्स सीखते हैं तो आप कुरान की कुछ आयतों को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, आप स्कूल जाके अगर बायोलॉजी सीखते हैं तो कुरान की बहुत सारी आयतों को बहुत अच्छे समझ पाएंगे और उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वो आप स्कूल जाकर भी कुरान का 1000 से ज़्यादा आयतों को समझते हैं वहाँ जाकर, आप मैथमेटिक्स सीखते हैं तो उससे भी आपको फायदा है। फ्रैक्शंस का तो इतना है कुरान के अंदर कि सूरह निसा उठा लीजिए, कोई मर जाए तो उसकी बेटी को 1/2 मिलेगा, उसके बेटे को, उसकी वाइफ को 1/8 मिलेगा, अगर वो ना हो तो 2/3 इसको मिलेगा, पूरा आप बोलेंगे अरे ये क्या है, तो खतरनाक, और बहुत सारे लोग पजल हो जाते हैं चूंकि वो। तो मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, ओशनोलॉजी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो ये भी पार्ट ऑफ इस्लाम है।